दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे खूंखार शासक रहे हैं जिनके नाम से आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, जिन्हें दुनिया अपने सपनों में भी याद नहीं करना चाहती है। इन्हीं खूंखार हत्यारों में एक नाम है चंगेज खान, जो था तो छोटे से कबीले से, लेकिन उसके एक बदले ने करीब 4 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। वो बदले की आग में इतना पागल हो गया था कि उसने अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा था। चंगेज खान ने सिर्फ इस बात पर अपने छोटे भाई को मार दिया था क्योंकि उसने उसकी एक मछली चोरी करके खा ली थी। अतः शक्ति के भूखे चंगेज ने करोड़ों लोगों की लाशों के ढेर पर बैठकर मंगोलिया राज्य की नींव रखी थी। उसके मंगोल लड़ाके जिस भी गांव या शहर से गुजरते, वहां खून की नदियां बहने लगती थीं, लाशों के पहाड़ बन जाते। कई बड़े बड़े राजा उसकी ताकत को ललकारने की हिमाकत नहीं करते थे। उसने अपनी दहशत से चीन से लेकर यूक्रेन तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। दोस्तों, इस चंगेज खान की ताकत इतनी थी कि उसने मौत के बाद भी 40,000 लोगों को मौत के हवाले कर दिया था। वहीं जब उसे दफनाने का टाइम आया तो वहां उसके पास करीब 2,000 लोग थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर ये चंगेज खान का शरीर कहां है। उसकी ये मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे का क्या सच है, कहां है चंगेज की कब्र। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, यानी कि 1201 से, जब चंगेज खान ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के छोटे बड़े कबीलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। एक से एक शातिर सैनिक उसकी सेना में शामिल थे। उसकी सेना इतनी ताकतवर थी कि वो जिस भी शहर में घुस जाते थे, वहां बर्बादी तय होती थी। ये हर शहर में घुसते ही लूटमार, हत्याएं और बलात्कार करते थे। इतना ही नहीं, उस जगह पर इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते थे। उस समय मंगोल साम्राज्य चीन की राजधानी पेचिंग से रूस की राजधानी मॉस्को तक फैला हुआ था। वहीं अपना साम्राज्य फैलाने के लिए एक बार उसकी नजर पड़ी तांगुड साम्राज्य पर, जो वेस्टर्न शिया के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ खेती करने वाले समुदाय रहते थे जो चावल की खेती करते थे। वहीं अपनी सेना की भूख मिटाने के लिए इस चंगेज खान की नजर उस पर पड़ गई। ये एरिया चंगेज खान की सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए परफेक्ट था, इसीलिए यहाँ भी चंगेज खान की नीयत बिगड़ गई और इसे हासिल करने के लिए उसने इस पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ का तंगुट साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि उसने चंगेज खान की सेना का 5 साल सामना किया। अंत में चंगेज खान ने इसे हासिल तो कर लिया, लेकिन तब तक इसकी सेना बहुत कमजोर हो गई थी। अब वो उस हालत में नहीं था कि वो और किसी पर हमला कर सके। वहीं वेस्टर्न शिया के लोग उसकी बात सुनने के लिए भी राजी नहीं थे। एक बार उसने युद्ध के लिए कुछ सैनिकों की मांग की तो वेस्टर्न शिया ने फिर से नकार दिया। इस बार का इनकार चंगेज खान को इतना नागवार गुजरा कि उसने फिर से वहां हमला बोल दिया, और इस बार उसने सभी को मौत के घाट उतारने के लिए हमला किया था। वो अपनी बदले की आग में इतना पागल हो गया था कि वहां के हर इंसान को काटते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। वो इतना अंधा हो चुका था, उसे अपनी तरफ आता तीर भी दिखाई नहीं दिया जो सीधे उसके घुटनों में घुस गया, और वो उसी हालत में हमला करता ही चला गया। आखिर में उसने वो जंग जीत ली, लेकिन इस जीत का जश्न वो ज्यादा देर तक नहीं मना पाया क्योंकि चंगेज खान के घुटनों पर लगा हुआ तीर उसे इतना घाव दे चुका था कि जिसमें उसका शरीर जकड़ता चला गया। वो इतना जख्मी हो गया कि उसने बिस्तर पकड़ लिया और अंत में वो खुद मौत के मुंह में चला गया, यानी कि शिया उसकी मौत का कारण बन गया। लेकिन चंगेज खान ने जो यहाँ सबको मारने की कसम खाई थी वो अभी अधूरी थी। यहाँ अभी भी 40,000 लोग जिंदा बचे थे। उन्हें मारने की कहानी चंगेज खान की मौत के बाद शुरू हुई। वहीं उसकी मौत के बाद उसकी अंतिम क्रिया कैसे होगी ये तय हो चुका था। मंगोल परंपरा के हिसाब से अगर राजा चाहता है कि उसके मकबरे का पता किसी को पता ना चले तो फिर वही होता है, और चंगेज खान भी यही चाहता था। इसीलिए जब उसकी लाश को उसके राज्य तक ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में आने वाले हर इंसान जानवर को मार दिया गया जिसने उसे ले जाते हुए देखा था। वहीं जब उसकी लाश का अंतिम संस्कार किया गया तो यहाँ करीब 2,000 लोगों को बुलाया गया, और ये न्योता कोई साधारण न्योता नहीं था, ये न्योता था मौत का, यानी कि लोगों को मरने के लिए न्योता भेजा गया था। इन्हें क्यों मारा गया, इसके बारे में खोज आज भी जारी है। लेकिन जब चंगेज खान को दफनाया गया तो इसे छिपाने के लिए सैनिकों ने 1,000 घोड़ों को जमीन पर दौड़ाया ताकि वहां की जमीन दब जाए और ये बाकी की नॉर्मल जमीन की तरह दिखे। फिर इसके बाद जो शुरू हुआ वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि अब शुरू हुआ था असली हत्याकांड। इस अंतिम क्रिया में जो भी शामिल हुआ था उन सभी को एक सैनिकों की टुकड़ी ने आकर मार दिया, फिर उस सैनिक टुकड़ी को दूसरी सैनिक टुकड़ी ने आकर मार दिया, फिर उसके बाद तीसरी सैनिक टुकड़ी ने भी यही किया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक हर वो इंसान मौत के घाट नहीं उतर गया जिसे चंगेज खान के मकबरे के बारे में पता था। इस मकबरे को छिपाने के लिए करीब 40,000 लोगों की बलि चढ़ गई।
आज हजारों साल बाद ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर चंगेज खान का मकबरा कहाँ है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो चंगेज खान की मौत को लेकर जुड़ी हुई हैं, जो ये बताती हैं कि चंगेज खान के साथ कुछ और हुआ था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब चंगेज खान शिया के हर इंसान को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। तब शिया की तरफ से घोड़ों का झुंड आया। उसे देखकर चंगेज खान घबरा गया और अपने घोड़ों से गिर गया, वहीं जख्मी भी हो गया। उसी हालत में उसे कैंप में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद वही हुआ जो पहले की कहानी में बताया गया है, यानी कि चंगेज खान की मौत की खबर रखने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया गया और उस मकबरे पर घोड़े दौड़ाए गए। लेकिन उसके बाद उसके कब्र के पास बहती उन्नौन नदी के बहाव को मोड़ दिया गया। इससे दो काम हुए, पहला कि कोई इस नदी की गहराई में जाएगा नहीं, और दूसरा ये कि कोई भी कब्र के इतने नीचे जाने के बाद उसे ढूंढने नहीं जाएगा। फिर उसके बाद वही कहानी, एक के बाद एक सैनिकों की टुकड़ी आती गई और सबको मारती गई। वहीं तीसरी कहानी ये कहती है कि जब बदले की आग में पागल चंगेज खान आगे बढ़ता जा रहा था, तो उसने शिया के आधे लोगों को खत्म कर दिया था। उन्हीं में दो लोग शामिल थे, प्रिंस और प्रिंसेस। एक बार रात के समय चंगेज को सोते वक्त एक सपना आया, जिसमें उसने घोड़े, बर्फ और खून को देखा। जब उसने ज्योतिष से इसके बारे में पूछा, तो उसने बताया कि बर्फ का मतलब है प्रिंसेस और खून का मतलब है प्रिंस। अगले दिन चंगेज खान ने प्रिंस के नाम से इंसान को मार दिया और प्रिंसेस नाम की लड़की को अगवा कर लिया। वहीं अपने कैंप में लाने के बाद चंगेज खान ने उससे रेप करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रिंसेस ने अपने बालों से एक खंजर निकाला और चंगेज पर हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सैनिकों से बचने के लिए प्रिंसेस ने पास में बह रही येलो नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। वहीं चंगेज खान की कब्र के साथ वही किया गया जो पहले कहानी में बताया गया है। एक के बाद एक सैनिकों की टुकड़ी ने खुद को मरवा लिया और चंगेज खान की कब्र को रहस्य ही रहने दिया। लेकिन जिस माउंटेन रेंज में चंगेज खान को दफनाया गया था, वो आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में है, इसलिए वहां जाकर खोजना अलाउ नहीं है। ऐसे में चंगेज खान की कब्र नहीं मिल पाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंगेज खान जितना खूंखार था, वो उतना ही अमीर भी था। बताया जाता है कि उसके पास आज के हिसाब से 120 ट्रिलियन डॉलर की दौलत थी, जो उसने इतनी जीत हासिल करके ये सब हासिल किया था। चंगेज खान की कौन सी मौत की कहानी आपको सही लगती है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।